नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका किसान मित्र और आप देख रहे हैं एमके एग्रीकल्चर। किसान भाइयों, एमके एग्रीकल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफ्टेड टमाटर के बारे में। किसान भाइयों, आज से सप्ताह भर पहले हमने एक वीडियो बनाया था ग्राफ्टेड टमाटर से रिलेटेड, जिसमें हमने आपको ये जानकारी दिया था कि अगर आप ग्राफ्टेड टमाटर की खेती करते हैं तो प्लांटेशन के बाद जो हमारा मुख्य काम होता है वो क्या होता है। और आज हम बात करने वाले हैं प्लांटेशन के 10 दिन बाद, यानी कि जब हम पौधा लगाते हैं उसके 10 दिन बाद हमें पौधा में कौन कौन सी दवाई का और कौन कौन सी खाद का हमें स्प्रे करनी चाहिए, वो सारी चीज़ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब पौधा शुरुआत की स्थिति में होती है तो इन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे ये अपना पोषक तत्व प्राप्त करें और अपना ग्रोथ आगे बढ़ाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब पौधा शुरुआत की स्थिति में होती है, यानी कि छोटा पौधा होता है प्लांटेशन के 10 दिन बाद, तो इस समय पौधे की जो अवस्था होती है नेचुरल ग्रोथ की अवस्था होती है, वानस्पतिक विकास की अवस्था होती है। तो इस समय पौधे को कुछ मुख्य चीज़ की ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें तो पौधे को वातावरण से मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें पौधे को वातावरण से नहीं मिल पाती है, जिन चीज़ों को हमें पौधों को देना होता है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ होती है बिल्कुल शानदार होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पौधे को शुरुआती की स्थिति में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जो एनपीके खाद होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसे हम बेड में डालते हैं और दूसरा होता है जल में घोलकर हम इसे पौधे के पास ड्रेंचिंग कर सकते हैं या ड्रिप के माध्यम से पौधे में चला सकते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो घुलनशील एनपीके के बारे में बात करते हैं। एनपीके 19-19-19, यानी कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की जो मात्रा है इसमें 19-19% है। तो इस समय पौधे को ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की काफ़ी आवश्यकता होती है। जो नाइट्रोजन होती है वो पौधे को वानस्पतिक विकास के लिए काफ़ी सहायक होती है, जो पौधे को बिल्कुल हरा बना देती है, और जो फास्फोरस होता है वो इसके जड़ के विकास के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और पोटाश का काम जो होता है वो फलियों को भरने के लिए यानी कि फल को मैच्योर करने के लिए होता है। लेकिन जब पौधा शुरुआती स्थिति में होता है तो इस समय इसमें फल फूल या फूल और फल नहीं आते हैं। इस समय उसका जो काम होता है पौधे को मजबूत बनाने के लिए होता है, जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं। अभी इसमें जो है दो ड्रेंचिंग एनपीके 19-19 का हुआ है, यानी कि एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का। किसान भाइयों, अगर आप भी ग्राफ्टेड टमाटर की खेती या बैंगन की खेती करते हैं तो शुरुआती जो स्टेज होती है पौधे को लगाने के 10 दिन बाद जो हमारा पहला काम होता है एनपीके 19-19, इसको आपको कम से कम 10 दिनों तक आपके पौधों में चलाना है। आप एक दिन छोड़ के एक दिन ड्रिप में चला सकते हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन आप इसको जो है ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और दूसरा मुख्य खाद इसमें आपको जो है किस चीज़ का ड्रेंचिंग करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, वो है आपका ह्यूमिक एसिड का। ह्यूमिक एसिड का अगर आप इसमें ड्रेंचिंग करेंगे तो ये जो है मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी बनाएगी। इससे क्या होगा कि पौधे का जड़ का जो विकास होगा काफ़ी बेहतर होगा। जब ह्यूमिक एसिड हम मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में जो पोषक तत्व होता है उसको वो जो है घोलने का काम करता है, जिससे जो हमारा पौधा होता है काफ़ी बेहतर तरीके से ग्रोथ करता है। तो किसान भाइयों, ये आपका दूसरा डोज है, आपको जो ह्यूमिक एसिड का आपको ड्रेंचिंग करना है, साथ ही साथ आपको कोई भी एक फंगिसाइड ले लेना है और फंगिसाइड का भी ड्रेंचिंग करना है। तो किसान भाइयों, ये रही एक छोटी छोटी जानकारियाँ, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तो किसान भाइयों, ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये पौधा कैसा है ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो पौधा है हमने 5 से 6 सितंबर यानी कि 2 दिन के अंतराल में लगाया है, 5 और 6 सितंबर को ये प्लांट लगा हुआ है, और आज का डेट है 22 सितंबर, और आप पौधा का ग्रोथ देख सकते हैं इसमें जो है किस प्रकार से ग्रोथ हो रहा है। और अभी तक हमने जो इसमें एक फंगिसाइड का भी स्प्रे किया है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फंगिसाइड के बारे में भी जानकारी दे दूंगा कि हमें कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का इस्तेमाल कब करना है,
और जो सिस्टमेटिक फंगिसाइड होता है उसका इस्तेमाल हमें कब करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और इसी प्रकार की टेक्निकल खेती से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।